नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आप देख रहे हैं, आपका जो चैप्टर है लघुगणक यानी लॉग, जिसे हम लॉग बोलते हैं, वो आपका चैप्टर चल रहा है। और जिसमें हमने आपको एक वीडियो पहले से ही दे दिया है, और आज वीडियो नंबर 2 होगा, यानी आज वीडियो नंबर हम 2 करने वाले हैं। चैप्टर 6 ये चल रहा है आपका, और वीडियो नंबर 2 आपको लिए जाने वाला है। तो आपको पता है, आपका अभी रिजल्ट आया 2021 वालों का, जो सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें काफ़ी बच्चों का मैथ में बैक लगा। क्यों बैक लगा? क्योंकि उन्होंने सीरियस नहीं पढ़ा, सीरियसली इसको नहीं लिया, ऐसे हल्के में लिया, इसलिए वो मैथ में फेल हो गए। और बैक लगने का मतलब समझ रहे हो, कितना पीछे हो जाता है पर्सन। अब मान लीजिए आपका एक सेमेस्टर में बैक लग गया, तो आप पहुँच गए हो किसके साथ, 2022 वाले जो सेमेस्टर हैं, जब वो सेकेंड सेमेस्टर के अपने पेपर दे रहे होंगे, यानी उनके सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कब होंगे, जब हम लोगों के यानी 2021 वालों के सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हो रहे होंगे, तब 2021 2022 का सेशन है उसके सेकेंड सेमेस्टर के हो रहे होंगे, वहाँ पर पेपर दे पाएंगे जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में फेल हुए 2021 के। बट एक चीज़ याद रखना आगे से, कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर किसी में भी फेल हुए, तो आप जो शिक्षक भर्ती आने वाली है 2024 में, उस भर्ती से आप बाहर निकल जाओगे। और अगर उस भर्ती से बाहर निकल गए, तो आप फिर इंतजार कर लीजिए 2027 या 28 के समथिंग आपकी वैकेंसी आएगी। तब तक आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, और आप इस चीज़ से चूक जाएंगे। तो आप इसे अब सीरियस लीजिए, मैथ को अच्छे से पढ़िए। इससे पहले मैंने आपके 5 चैप्टर्स करा दिए हैं, तो आप जा करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि जितने भी इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलवांश क्या होता है, ये क्या होता है, दशमलवांश क्या होता है। तो यह एक लघुगणक का भिन्नात्मक भाग है। लघुगणक का कैसा भाग है, ये भिन्नात्मक भाग होता है। इसे मालूम करने के लिए लघुगणक सारणी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको लॉग की जो सारणी दी गई होती है, उसे आपको प्रयोग में लाना होता है, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। इस साड़ी में क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, यानी इस तरीके की लाइनें जो इस तरीके की पड़ी होती हैं, इन्हें क्षैतिज लाइंस बोलते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में हॉरिजेंटल बोलते हैं, वो वर्टिकल लाइनें बनी होती हैं। क्षैतिज खाने में 0 से 9 तक, तथा उसी के बगल में एक खाना होता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक की बनी होती हैं। अब ये मैं आपको साड़ी में दिखाऊँगा, वहाँ से आपको अच्छे से समझाऊँगा, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब कुछ समझाऊँगा, आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो आप देखते रहिए, अभी आप एक भाग और देख लीजिए। देखिए, पहला भाग जो 0 से 0 तक होता है, संख्या के तीसरे अंक के लिए छोटे वाले मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस क्या होता है, चौथे अंक के लिए होता है। चलिए मैं आपको पहले साड़ी दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरा समझा दूंगा। उदाहरण में जो पंक्तियाँ होती हैं, उदाहरण इस तरीके की, उसमें कितने होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, यहाँ तक आपके नंबर्स दिए जाते हैं, तो वो मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं वही दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, ये आपकी लॉग की साड़ी है, आप इसे देख सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पर आपको बताया, वही चीज़ यहाँ आप देख पाएंगे। जो इसमें जो हॉरिजेंटल होता है, इस तरीके जो हॉरिजेंटल होती लाइन्स, यही मैंने बताया था, जो हॉरिजेंटल लाइन्स होती हैं, उसमें आप देखेंगे 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सब ये पूरी हॉरिजेंटल लाइन है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। इसके बाद आप मेन डिफरेंस में देखेंगे, तो हमने बताया था मीन जो डिफरेंस होता है इसका, उसमें 1 से लेकर 9 तक अंक लिखे होते हैं। तो वही आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद मैंने बताया था जो वर्टिकल होती है, जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, उसमें आप 10 से आगे आपको जाएंगे तो 99 तक देखने के लिए मिलेगा। तो आप जाएंगे तो सीधा देखकर बढ़ते जाइए, पूरी लॉक की साड़ी है, जिसमें आपको नीचे की साइड पर जो मिलेगा लास्ट नंबर, वो 99 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 99 नंबर, तो यही लास्ट नंबर है। अब इसमें किस तरीके से वैल्यू रख के किस तरीके से मान निकालेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो पहले मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक, जहाँ पर हमारी ये साड़ी के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर हम बात करेंगे, उसके बाद आपको मान निकालना भी सिखाएंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ से मैंने समझाया वो तो आपको समझ में आ गया, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये साड़ी के बारे में, जो भी आपकी ये साड़ी है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल्स लाइंस हैं, ये जो इस तरीके से खड़ी हुई हैं,
इसके बाद ये आप देख सकते हो, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और जिसमें आप नंबर्स देख सकते हो, यहाँ से 0 से लेके 9 तक हैं आपके नंबर्स, और यहाँ पर 1 से लेके 9 तक हैं। इन्हीं की बात में बात की जा रही है, और 99 तक की बात की गई थी, तो हमने 10 से देखा 99 तक नीचे तक नंबर हैं। तो यही आपकी आईडी है। इसमें किस तरीके से मान निकलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, पहले अपनी मेन PDF खोल ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो यही बात की जा रही है। देखिए मीन डिफरेंस आपने देखा 1 से लेके 9 तक, उसमें नंबर्स लिखे हुए थे। आपने देखा कि आपके जो 1 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए थे, आपने देखा जो मेन डिफरेंस निकालते 0 से 9 तक आपने नंबर्स देखे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए थे, और आप देख सकते हैं चौथे अंक के लिए होता है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति में आपने देखा कि 10 से लेकर के 99 तक संख्या लिखी हुई थी। दशमलवांश हमेशा धनात्मक होता है। किस तरीके का होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और देखिए पूर्णांश, आप देखिए पूर्णांश के बारे में बात कर रहा है। पूर्णांश तो दशमलव के पूर्व के अंकों को देखने से ही मात्र से पता चल जाता है, यानी दशमलव से अंक पहले कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा 3 लिखा 2 लिखा, तो यहाँ पर चाहे कितना भी नंबर लिखा हो, इसके बाद आप देख सकते हैं जो पूर्णांश होता है, जैसे मान लीजिए 3 अंक हैं, मतलब 3 डिजिट हैं, तो 3 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका पूर्णांश निकल जाएगा 2। तो ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, तो पूर्णांश आप समझ सकते हैं कि पूर्णांश क्या होता है, ये पहले से मैंने आपको बता रखा है, देखने से ही पता चल जाता है। यदि संख्या 1 से अधिक है तो पूर्णांश दशमलव के पूर्व अंक की संख्या को से 1 कम कर लिया जाता है, यानी 1 से ज़्यादा नंबर है, जैसे ये देखिए इसका वैल्यूएशन 1 से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पर 0 0 2 4 3 इस तरीके लिखा हुआ है, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या करते हैं, इनके इसके दोनों अंक देखते हैं कितने हैं, 1 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा पूर्णांश निकल जाएगा 1। अगर मान लीजिए 0 पॉइंट में चल रहा है, जैसे 0 पॉइंट इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से नंबर चल रहे हैं, तो फिर आपका ये ऋणात्मक हो जाता है। किस तरीके का हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये मैंने सभी आपको कॉन्सेप्ट ये पहले देखिए कराए हुए हैं। देखिए ऋणात्मक वाला भी हमने आपको समझाया हुआ था कि पूर्णांश ऋणात्मक कैसे होता है। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें जैसे चार अंक हैं, तो 4 अंक हैं तो हम मतलब दशमलव के बाद आए हुए 4 अंक हैं, बट इसमें 0 की संख्या देखी जाती है, तो इसमें 0 1 भी नहीं है, तो एन की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो एन प्लस 1 के बेस पे हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, एन प्लस 1 के बेस पे इसे हम निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यदि संख्या 1 से कम हो, ये बता दीजिए मैंने आपको, शून्यों की संख्या से 1 अधिक होता है और ऋणात्मक होता है, तो शून्यों की संख्या देखेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो, और वो कैसा हो जाएगा, तो उसमें देखेंगे तो वो ऋणात्मक चला जाएगा, ऋणात्मक में होते हैं उसके सभी मान। दशमलवांश जो सदैव होता है वो धनात्मक होता है, और 1 से अधिक अंकों की संख्या के दशमलवांश समान होंगे। 1 से अधिक अंकों की संख्या होगी तो उसके दशमलवांश कैसे होंगे, समान होंगे, चाहे उस संख्या का दशमलव की स्थिति कुछ भी हो, क्यों ना हो। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 34.56 और 345.6 के अपूर्णांश समान होंगे, जबकि इसके जो पूर्णांश होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। पूर्णांश तो भिन्न भिन्न निकलेगा ही, ठीक है। जो अपूर्णांश होता है, जैसे हमने बताया था मेनिटिसिया बोलते हैं इसे, तो ये आपका जो है वो आपको पूर्णांश होता है, पूर्णांश को आप साड़ी से देख के निकालेंगे, और यहाँ पर जो आपका ये जो होता है अपूर्णांश और पूर्णांश को आप बिना देख के निकाल सकते हैं साड़ी के, पर अपूर्णांश होता है उसे आप साड़ी से देख कर ही निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो लॉग वैल्यू होती है इन दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। लॉग वैल्यू जो होती है इनकी क्या होती है, दोनों का मिक्सचर होती है, तो उस हिसाब से इसका निकाला जाता है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, माना उदाहरण के लिए 25-45 का एक लघुगणक ज्ञात करना है, तो जो 25-45 है इसका कैसे लघुगणक निकालेंगे, तो इसको मैं चलिए साड़ी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि इसका जो लघुगणक है वो किस तरीके से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका आप मान देख सकते हैं कितना मान लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 3.4057 यहाँ पे मान लिखा हुआ है। तो ये सभी मैंने इसका लॉग निकाल के आपको पूरा दिखाऊंगा, लॉग का वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू इसका आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम साड़ी में चलते हैं, वहां पर आपको ये सब चीज दिखाएंगे। तो देखिए आपका लॉग कितना था, 25-45 आपका लॉग था, 25-45, और इसका हम अब क्या निकालने जा रहे हैं, इसका हम मान निकालने जा रहे हैं 25-45 लॉग का, तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं इसके इसमें आप लास्ट में पॉइंट मान के 0 0 मानते रहें, मान लें इसमें, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसका पूर्णांश निकालते हैं, क्योंकि दोनों के योग से बना हुआ है, तो पूर्णांश यानी
जो पॉइंट से आगे के कितने अंक आए हुए हैं, तो एक दो तीन चार, चार अंक आए हुए हैं ना, तो चार में से हम क्या करेंगे एक घटा देंगे, तो चार में से घटा देंगे कितना बचेगा तीन, तो थ्री पॉइंट इस तरीके से इसका मान चलेगा थ्री पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अब इसमें हम देखेंगे दो अंक स्टार्टिंग के, चाहे ये पॉइंट के बाद ही क्यों ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, स्टार्टिंग के टू अंक देखेंगे 25। अब इन 25 को क्या देखेंगे, हम इस लाइन में देखेंगे 25 कहाँ पे हमें मिलेगा, इस लाइन में नीचे की साइड पर आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो 25 है वो हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, तो इसका हम देखते हैं और वहां से इसकी हम वैल्यूएशन देखेंगे। और इसके बाद ये जो चार नंबर है, चार नंबर का पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कौन से चार नंबर का, तो देखिए बता देता हूँ मैं, ये चार नंबर में ढूंढेंगे। देखिए इधर लिखा होगा 25 और इधर चार वाली साड़ी मारा होगा, वही वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो अब देख लेते हैं तो इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये 25-45 का बराबर में कितना आ गया, तीन आ गया है, और इसमें 25 तक हम चलते हैं। देखिए तो 25 का वैल्यूएशन कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम निकाल किसका रहे हैं, 25-45 का निकाल रहे हैं, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है थोड़ा इधर लिखते हैं, जैसे 25-45 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, 25-45 और बराबर हमारा कितना आ गया थ्री पॉइंट आ गया है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ उसे, बराबर में आ गया थ्री पॉइंट आ गया। तो हमें अब किस में जाना है, तो हमने कहा इस 25 वाले सेक्शन में जाना है, तो देखिए दो अंक पहले शुरू के पकड़ लेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ, लास्ट में देखिए लास्ट में कितना लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ है नहीं लास्ट में, ये देख सकते हैं लास्ट में, और इसका ये जिस आपको चार दिख रहा है, तो चार नंबर का यहाँ से हम ये वाला, ये आपको दिख रहा है इस चार नंबर वाले पोर्शन में इसकी वैल्यूएशन मिलेगी, तो आप देख सकते हो ये देखिए ये 40-48 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू है चार नंबर में इसकी जो रखी हुई है, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 40-48 यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जो है वो आप देख सकते हैं, ये चीज़ हमने निकाल ली, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझा दी, इसको मैं थोड़ा इधर काट के लिख ले रहा हूँ, ठीक है थोड़ा इधर इसे काट के लिख ले रहा हूँ, यहाँ से तो आपको ये समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर हम निकाल रहे थे 25-45 का वैल्यू निकाल रहे थे, बराबर में आ गया हमारा थ्री पॉइंट, यहाँ चार वाले सेक्शन में हमने देखा कितना है 40-48 ठीक है 40-48 आ गया। अब इसके बाद आप देखिए, अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इस चार से हमने देख लिया, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रह गया लास्ट का जो अंक आपका दिख रहा है, ये आपको पाँच दिख रहा है, ठीक है ये पाँच दिख रहा है, तो पाँच का हम देख लेंगे मीन डिफरेंस क्या है, पाँच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है पाँच का, तो पाँच का मेन डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए कितना है आपका, पाँच का जो मीन डिफरेंस आया हुआ है, तो पाँच वाले में देखिए देखिए ये पाँच नंबर का है सेक्शन है, तो पाँच वाले सेक्शन में हम देखते जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे पाँच वाले सेक्शन में, और इसी लाइन में चले जाएंगे लास्ट में नीचे, तो लास्ट में आप नाइन देख सकते हैं, यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा आपको काट के दिखा देता हूँ, इस तरीके समझ में भी नहीं आएगा आपको, देखिए ये जो समझा भी नहीं पाऊंगा, देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा अभी मैं इस पर देखिए थोड़ा मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको सगल कर दे रहा हूँ, ये आपको नाइन दिख रहा है, इसी वाले सेक्शन में ये पाँच के नीचे वाला जो सेक्शन है ना यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा नाइन, जो कि इसी 25 वाले सेक्शन गली में ही जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है, ये नाइन यही नाइन आपको लिखना है आगे। तो आपने देखा कि 25-45 का आपका वैल्यू निकाल रहे थे 25-45 और जिसमें आया था थ्री तो आया था आपका जो पूर्णांश होता है वो, उसके बाद जो वैल्यूएशन चार में निकल के आई थी 25 वाले सेक्शन में कितनी 40-48 निकल के आई थी 40-48 ठीक है। इसके बाद आपने देखा था जो पाँच रह गया यानी ये पाँच वाला सेक्शन है इसमें हमने मेन डिफरेंस देखा था तो हमारा नाइन आ रहा है, तो इस नाइन को हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, नाइन को क्या कर देंगे इसमें हम ऐड कर देंगे नाइन को, ठीक है ये नाइन ही है तो ना ये पूरा पाँच वाले सेक्शन में ये नाइन ही है, तो नाइन को हम कर देंगे इसमें ऐड, तो अब नाइन को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 9-8-17 हो जाएगा, ठीक है इसके बाद ये 4-1-5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 का 0 रहेगा और 4 का 4 रहेगा, इसके बाद 3 का 3 रह जाएगा, तो 3.4057 तो 3.4057 इसका आंसर आएगा, और यही आंसर आपका वहाँ पे आपको दिया जा रहा है देखने के लिए, आपको वहाँ पे मिल रहा है आपने देखा है, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं अभी इसे लिख लेता हूँ ताकि मैं खुद ना भूल जाऊँ इसे, ठीक है तो इसका मैं खुद वैल्यूएशन लिख ले रहा हूँ और मैं आपको एक दो और निकाल के दिखा दूंगा ताकि आप खुद समझ जाएं।
तो इसका जो 2545 है, 2545 का वैल्यू है आपका 3.4048, और इसमें हमने +9 जोड़ा है तो हमारा जो वैल्यू आ गया है वो आ गया 3.4057। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए अब हम पीडीएफ में देखते हैं ये आंसर था कि नहीं था मेरा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वही यहाँ पे मान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 3.4057, और यही अभी हमने निकाला हुआ है। तो ये जितना भी पोर्शन, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको मैंने आपको टोटली समझा दिया है, पूरा साड़ी से समझा दिया है आपको, सब चीज़ निकालनी सिखा दी है। ठीक है, अभी मैं एक दो और लूँगा जिससे कि आपका क्लियर हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर और भी इसने दिए हुए हैं जो कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इतने दिए हुए हैं मान, ये हम मान आपको निकाल के अभी दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि आप इन्हें किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो हमने आपको निकाल के दिखाई दिया है, और अब मैं ये सोच रहा हूँ अगले वीडियो में मैं आपको इनके लॉग्स के वैल्यू निकाल के दिखाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी में दो दो दिखा देता हूँ, ये वाला और ये वाला पोर्शन निकाल के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप इन्हें निकाल लेना जो भी आपके जो लॉग्स हैं। ठीक है, आप साड़ी से निकाल लेना, ये साड़ी भी मैं अपने इसकी लिंक दे दूंगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना या आप कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, लॉग की आपकी साड़ी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं दो की वैल्यू और निकाल के दिखाऊंगा आपको, तो मैं लिख ले रहा हूँ इन्हें पहले ताकि मैं खुद ना भूल रहा हूँ। 3456, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3.5386। इसके बाद दूसरा जो वैल्यू हमारे पास है वो है 34.56, इसका है 1.5386। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दोनों का निकाल लिया, और इसके बाद इन दोनों का निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ साड़ी में। ठीक है, तो चलिए मैं साड़ी में दिखाता हूँ इसके निकाल के इनकी दोनों की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम पहला निकालेंगे 3456 की वैल्यू, किसकी निकालेंगे 3456 की वैल्यू, 34 मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, 34 और 56 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे कितनी आएगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें पूर्णांश निकालना है। पूर्णांश में हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना है, मतलब पहले कितना लिखा हुआ है। देखिए इसमें कहीं पॉइंट तो है नहीं, तो 6 के बाद ही पॉइंट होगा तो उससे अब मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख ले रहा हूँ 1 2 3 4 नंबर, 4 डिजिट दी गई हैं, 4 डिजिट दी गई, तो पूर्णांश निकलेगा वो 3 निकलेगा, एक घट के निकलता है 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट लगा दिया हमने, इसके बाद हम क्या देखेंगे इस ये 34 नंबर की यहाँ पे जो सीरीज यहाँ पे मिलेगी आपको 34 नंबर की, और उसमें भी 5 नंबर का ये देखना आपको, इसमें से इसके नीचे जो 34 नंबर पे मिलेगा उसको हमको वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि यहाँ पे हमने 3 तो आपको निकाल के दिखा दिया, अब मैं 34 नंबर वाले में चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 34 नंबर में, और 5 वाले सेक्शन पर हम चलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 34 नंबर वाले सेक्शन पे आ गए हैं। देखिए 34 नंबर वाले सेक्शन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखिए ये 0 वाला पोर्शन होता है, ये 1 2 3 4 और ये 5 वाला होता है, कौन सा होता है, ये 5 वाला होता है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, मैंने वही नीचे लिख दिया है ताकि आप फाइंड आउट कर पाओ। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे हमें जाना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू था वो कितना था, 3456, 3456 था जिसका 3 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 का वैल्यूएशन, 5 का नंबर में जाना है, तो यहाँ पे 34 वाले सेक्शन में चले आइए, और यहाँ 5 नंबर पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो 5 नंबर है वो ये रहा आपका, और 5 नंबर में कितना लिखा हुआ है, तो हमारा 5378 लिखा हुआ है, तो 5378 हम यहाँ पे लिख देंगे, 5378 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितना बढ़ रहा है इसका, मतलब मीन डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 वाले नंबर में देखेंगे जाके। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर कहाँ पे मिलेगा, इसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 6 नंबर कहाँ मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ जो नंबर चालू हुए हैं ना, तो ये नंबर 1 से चालू हुए हैं, तो 1 का वैल्यू ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो लास्ट में यहाँ 6 मिलेगा। तो इस 34 वाले सेक्शन में आप नीचे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये 8 मिल रहा है आपको देखने के लिए, यही 8 है, तो 8 यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और अब जो वैल्यू हम निकाल रहे होंगे वो हमारा सही आंसर आएगा। तो 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, एक कैरी गया, तो ये 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 कैरी वाला, और यहाँ 3 का 3 ही, 5 का 5 ही। ठीक है, 0.3 यानी आपका निकल जाए कितना वैल्यू, 3.5386, और यही आपका आंसर वहाँ पे दिया हुआ था जो कि यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। आप इसे लिख लीजिए तभी आप देख पाएंगे कि हाँ मैं सही समझा रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ।
तो इस तरीके से आपका ये सेम टू सेम वही आंसर है जो कि आपका साड़ी में दिया हुआ था, वहां पर जो दिया हुआ था। तो आप इस तरीके से सभी के वैल्यूएशन निकाल सकते हैं जितनी भी हैं। तो अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपको मैंने समझा दिया है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से इसकी जो जितने भी क्वेश्चंस रह गए उनको मैं डिटेल में आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको समझाने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए काफ़ी रिसर्च करके इस चीज़ को समझाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी भी सफलता आप पर ही डिपेंड करती है, आप अगर समझ जाते हैं तो हम सफल हैं, आप नहीं समझते तो हम असफल हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। चलिए वीडियो आप ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।